स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर 10 कंपैरिजन ऑफ नंबर। आज मैं आपको चैप्टर 10 जो हमारा कंपैरिजन ऑफ नंबर है वो समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपेयरिंग नंबर्स। बाय कंपेयरिंग वी कैन फाइंड आउट हाउ मच अ नंबर इज ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। तो कंपेयरिंग करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर कितना बड़ा है, छोटा है और इक्वल है। तो सबसे पहले फर्स्ट पिक्चर में देखिए, यहाँ पर हमें एक तरफ 6 बॉक्सेस दिए हुए हैं और एक तरफ 4 बॉक्सेस दिए हुए हैं। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि 6 इज ग्रेटर देन 4। ऐसे ही दूसरी पिक्चर में 3 बॉक्सेस हैं, यानी दोनों तरफ इक्वल बॉक्सेस हैं, तो वी कैन से दैट 3 and 3 आर इक्वल। और थर्ड पिक्चर में एक तरफ 3 बॉक्सेस हैं और दूसरी तरफ 5 बॉक्सेस हैं, तो वी कैन से दैट 3 इज लेस देन 5। साइन ऑफ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू। तो जब हम कंपेयरिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें इन साइंस पहचान होना बहुत ज़रूरी है कि ग्रेटर देन का साइन कौन सा होता है, लेस देन का और इक्वल टू का। तो सबसे पहला जो साइन दिया हुआ है, जहाँ पे लिखा है इज ग्रेटर देन, ये हमारा ग्रेटर देन का साइन है जो बड़ी डिजिट की तरफ लगता है। ऐसे ही जो सेकेंड साइन दिया हुआ है वो है इज लेस देन, ये लेस देन का साइन है जो हमारा स्मॉलर नंबर की तरफ लगता है। और जो थर्ड साइन है जहाँ लिखा हुआ है इज इक्वल टू, ये साइन हम तब लगाते हैं जब हमारे पास दोनों डिजिट सेम होती हैं। द ओपन एंड ऑफ द साइन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द बिगर नंबर। यहाँ देखिए, जो साइन का ओपन एंड है यानी जो खुला हुआ हिस्सा होता है, वो हमेशा बड़े नंबर, बिगर नंबर यानी बड़े नंबर की तरफ आएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो क्लोज एंड है वो हम हमेशा स्मॉलर नंबर की तरफ रखेंगे। वेन द गिवन नंबर आर द सेम देन दे आर इक्वल। और जब दिए हुए नंबर हमारे सेम होते हैं तब हम उन्हें कह सकते हैं कि वो नंबर इक्वल है, तो वहां हम इक्वल साइन का यूज करेंगे। यहाँ आपको डिजिट दी हुई है, इसमें डिजिट देखते हैं। सबसे पहली डिजिट है 9 and 4। तो आप देखिए, जो हमारे साइन का ओपन एंड है वो 9 की तरफ है और जो क्लोज एंड है वो 4 की तरफ है। तो हम ये कह सकते हैं कि 9 इज ग्रेटर देन 4, या हम दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि 4 इज लेस देन 9। ऐसे ही सेकेंड डिजिट में 3 and 5। तो यहाँ देखिए, क्लोज जो एंड है वो 3 की तरफ है और जो ओपन एंड है वो 5 की तरफ है। देन वी कैन से 3 इज लेस देन 5 और 5 इज ग्रेटर देन 3। दिस इज द लेस देन साइन। लेस देन साइन जो होता है वो इट पॉइंट्स टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ पॉइंट करता है। एंड ग्रेटर देन साइन पॉइंट्स टू द राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नंबर ग्रेड। लेट्स कंपेयर ऑन नंबर ग्रेड। अब हम नंबर ग्रेड पर नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे। तो यहाँ पर एक नंबर ग्रेड शो हो रही है जिसमें 51 से 100 तक के नंबर शो हो रहे हैं, और ऊपर आपको देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक तरफ लेफ्ट लिखा हुआ है, दूसरी तरफ राइट। ऐसे ही एक साइड में ऊपर एबव लिखा है और नीचे बिलो लिखा है। तो जब हम नंबर ग्रिड पर नंबर को कंपेयर करते हैं तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। चलिए देखते हैं कौन से रूल्स होते हैं वो। तो रूल नंबर 1, इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन नंबर ग्रिड वी मूव फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। जब हम नंबर ग्रिड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो हम स्मॉलर से ग्रेटर नंबर की तरफ जाते हैं। यहाँ देखिए, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, 51 से स्टार्ट हो रहा है और राइट की तरफ जा रहा है 60 तक। ऐसे ही सेकेंड लाइन में 61 से 70 तक, थर्ड लाइन में 71 से 80 तक। लेट्स अस कंपेयर 58 and 51। चलिए हम 58 and 51 को कंपेयर करते हैं। जब हम 58 and 51 को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि 58 lies to द राइट ऑफ 51। जो 58 डिजिट है वो 51 से राइट की तरफ है नंबर ग्रिड में। सो वी कैन से 58 इज ग्रेटर, यानी 58 51 से बड़ी डिजिट है। सो वी राइट 58 इज ग्रेटर देन 51। रूल नंबर 2, इफ वी मूव डाउन इन नंबर ग्रिड, अगर नंबर ग्रिड में हम डाउन की तरफ यानी नीचे की तरफ आते हैं, वी मूव फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर, हम स्मॉलर नंबर से बड़े नंबर की तरफ आते हैं। लेट अस कंपेयर 66 and 96। जब हम 66 and 96 में कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि 66 lies above 96।
66 जो है वो 96 से ऊपर की तरफ है, और हमें ये पता है कि ऊपर की तरफ हमारे स्मॉलर नंबर होते हैं और जब नीचे की तरफ आते हैं तो वो हमारे बिगर नंबर होते हैं, यानी वी कैन से 66 इज स्मॉलर देन 96। नाउ कंपैरिजन ऑफ वन डिजिट एंड टू डिजिट नंबर। अब हम वन डिजिट और टू डिजिट नंबर को कंपेयर करना सीखेंगे, तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, चलिए रूल्स देखते हैं। तो वन डिजिट नंबर इज ऑलवेज लेस देन टू डिजिट नंबर, जितने भी हमारे वन डिजिट नंबर होते हैं वो हमेशा टू डिजिट नंबर से लेस होते हैं, यानी कम होते हैं या छोटे होते हैं। सो वी कैन से 7 इज लेस देन 13, यानी 7 13 से स्मॉलर है, छोटा है। ऐसे ही 5 इज लेस देन 11, 5 11 से स्मॉलर है। कंपैरिजन ऑफ टू डिजिट नंबर, जब हम टू डिजिट में कंपैरिजन करते हैं तो इसके लिए हमें टू स्टेप्स को ध्यान में रखना होता है। तो स्टेप वन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। स्टेप वन में हम कंपेयर द टेंस डिजिट फर्स्ट, सबसे पहले हम टेंस की डिजिट को कंपेयर करते हैं। द नंबर हैविंग ग्रेटर टेंस डिजिट इज ग्रेटर, जिस नंबर में टेंस की डिजिट ग्रेटर होती है वो नंबर हमारा ग्रेटर नंबर होता है। लेट अस कंपेयर 48 एंड 39। 49 39 को 48 एंड 39 को कंपेयर करते हैं, तो जब हम 48 एंड 39 को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो टेंस की प्लेस है वहाँ पर डिजिट है 4 एंड 3, एंड वी नो दैट कि 4 इज ग्रेटर देन 3, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 48 इज ग्रेटर देन 39। नाउ स्टेप टू, इफ टेंस डिजिट आर सेम कंपेयर द वंस डिजिट, अगर हमारी जो टेंस की डिजिट है वो सेम है तो हम फिर वंस की डिजिट को कंपेयर करके देखते हैं। द नंबर हैविंग ग्रेटर वंस डिजिट इज ग्रेटर, इस कंडीशन में जहाँ पर जिस डिजिट में वंस की डिजिट ग्रेटर होगी वो हमारा ग्रेटर नंबर होगा। लेट अस कंपेयर 82 एंड 87। 82 और 87 को जब हम कंपेयर करते हैं तो भी हम देखते हैं दे हैव द सेम टेंस डिजिट नेमली 8। इसमें दोनों ही डिजिट में जो टेंस की प्लेस है वहाँ पर एक ही डिजिट है 8। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो वंस प्लेस की डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। द वंस डिजिट आर 2 एंड 7, और जो वंस की प्लेस है उस पर डिजिट है 2 एंड 7, एंड वी नो दैट 2 इज लेस देन 7, हमें पता है कि 2 7 से छोटा होता है। सो वी कैन से 82 इज लेस देन 87। नाउ लेट्स डू सम एग्जांपल्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स करके देखेंगे। यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, यहाँ पर हम ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू के साइन लगाएंगे। तो सबसे पहले जो है 16 एंड 33, देन वी नो दैट 16 इज लेस देन 33, सो वी पुट लेस देन साइन टुवर्ड्स द 16, या वी पुट ग्रेटर देन साइन टुवर्ड्स द 33। आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे तो आप लेस देन का साइन 16 की तरफ लगाओ या ग्रेटर देन का साइन 33 की तरफ लगाओ। नेक्स्ट डिजिट है 69 एंड 57, तो 69 इज ग्रेटर देन 57, सो वी पुट साइन ग्रेटर देन टुवर्ड्स द 69। थर्ड डिजिट है 189, तो 100 इज ग्रेटर देन 89, तो वी पुट ग्रेटर देन साइन टुवर्ड्स द 100। हम ग्रेटर देन का साइन 100 की तरफ लगाएंगे। हमने पहले भी बताया था जो ओपन एंड होता है वो हमारा बड़े नंबर की तरफ होता है, तो हम जब साइन लगाएंगे तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो साइन का ओपन एंड है यानी खुला हुआ जो हिस्सा है वो बिगर नंबर की तरफ होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 92 92, अब दोनों डिजिट सेम है तो वी पुट इक्वल टू साइन, यहाँ पर हम इक्वल टू साइन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 48 एंड 50, तो 48 इज लेस देन 50, तो यहाँ हमने लेस देन का साइन लगाया है 48 की तरफ। ऐसे ही 66 एंड 56, तो 66 इज ग्रेटर देन 56, सो वी पुट ग्रेटर देन साइन टुवर्ड्स द 66। आई होप चिल्ड्रन आपको ये कंपेयरिंग करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरीके से अपनी बुक साइज कंप्लीट करेंगे। ओके चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।